बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स होता है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मार्केट ग्रोथ और एक होता है रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है, अगर मार्केट जोन सी है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो रही है और हमारा उसमें शेयर भी ज़्यादा है, यानी कि मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, तो फिर मतलब वो है स्टार मार्केट है अपनी। ठीक है, हमारी जो जो पोजीशन है वो स्टार वाली है। अगर जो सा मार्केट ग्रोथ रेट है वो हाई है बट रिलेटिव मार्केट शेयर अपना लो है, मतलब मार्केट तो अच्छे से ग्रो कर रही है बट हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, तो हम उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन। अगला आता है हमारे पास जब मार्केट ग्रोथ रेट अपनी लो हो बट रिलेटिव मार्केट शेयर अपनी हाई हो। अगर हम इसे इस ईजी लैंग्वेज में देखें तो मार्केट में अपना ज़्यादा हिस्सा है लेकिन मार्केट जो उनसे है वो जल्दी से ग्रो नहीं कर रही, तो हम क्या कुछ क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकाल लें, तो हम इसे कहते हैं कैश काउस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मार्केट जो उनसे ग्रोथ रेट है जो उनसे मार्केट की वो भी ज़्यादा नहीं है, कम है, और हमारा मार्केट शेयर भी कम है, ना ग्रोथ रेट अच्छी है ना मार्केट शेयर अच्छा है, तो उसे सिचुएशन कहते हैं डॉग्स की। कोई दिक्कत हुई तो पूछ लियो।